ओके सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला जनता कर्फ्यू के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जो है वो जनता कर्फ्यू को जो है वो लगाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे देश की क्या हालत है और भी बहुत सारे कंट्रीज की क्या हालत है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपको जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस जनता कर्फ्यू से रिलेटेड मैं आपको आज बहुत ही बड़ी रियलिटी बताने वाला हूँ जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर से मेरे को बताना और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश अभी जो है वो बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और यहां पर दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो है वो जनता कर्फ्यू था सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक। यहाँ पर आप देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरे देश के लोगों ने जो है वो इसको जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, यहाँ पर लोग जो है वो अपने घर में रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपको जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ में आप लोग फंस रहे हो। तो वो चीज़ें क्या हो रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर, जैसे कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है जहां पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे सिटीज को जो है वो एयर के द्वारा, यानी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा, प्लेन के द्वारा जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पे कुछ वीडियोस दिखती होगी। तो यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ उस पर आ रहे हैं और लोग जो है वहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ जो है वो फंस रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो हमारे सिटी को कब सैनिटाइज कराया जाएगा, हमारे सिटी में जो है वो कब हवाई जहाज़ के थ्रू जो है वो हमारे सिटी को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी वीडियोस जो आप देख रहे हो तो ये वीडियोस जो वो पूरी की पूरी फेक है। आप इस वीडियो में 1% भी बिलीव मत करो दोस्तों। ये वीडियो जो है दोस्तों अदर कंट्रीज को जो है वो सैनिटाइज करने के लिए और कुछ ऑस्ट्रेलिया के जो वो जंगलों को आग को बुझाने के लिए जो वो सारी वीडियोस को जो वो डाउनलोड करके यूट्यूब से जो वो अपलोड किया जा रहा है इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और लोगों को जो वो गुमराह किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश की जनता बहुत ही ज्यादा भोली और इमोशनल और बहुत ही जल्दी जो है वो किसी भी चीज में बिलीव कर लेती है। तो ये चीजें जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे थे। मैं सुबह से वीडियो देख रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को जो वो वीडियो बना के अवेयर कर दिया जाए कि इन सारी वीडियो में कुछ भी नहीं रखा, ये एकदम आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी वीडियो को बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ड्रॉप किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हमारी कंट्री की, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो वो देश में जो है वो एक वायरस आया है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है। तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है वो आज जनता कर्फ्यू का जो है वो आज जो है वो आपको जैसे कि पता है कि जनता कर्फ्यू लगाया गया था और दोस्तों यहां पर जो वो लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको निभाया है। लोग अपने घरों में थे, हमारे भी शहर में जो है वो एक भी लोग जो है वो रास्ते पे चलते हुए नहीं दिख रहे थे, सब लोग अपने घर में थे। और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक आदेश और दिया गया था कि आपको जो है वो शाम को 5 बजे जो है वो अपने घरों से बाहर निकल करके या अपने बालकनी में खड़े होकर के क्लैपिंग करनी है या फिर आपको जो है वो अपने किसी बर्तन को बजाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वो कंटेंट क्रिएटर ने जो है वो इस तरीके का वीडियोज़ को बनाया है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। तो इससे यही पता चलता है कि लोगों ने जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो इस चीज़ को निभाया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग के ऊपर जो ये अभी जो है वो बुरा टाइम चल रहा है ये जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो जाए। आप जो है वो जितना हो सकता है वो इस चीज के लिए प्रे करो और आप लोग जो है वो गुमराह होने से बचो, इस तरीके के फेक वीडियोस से दूर रहो, जहां देखे इस तरीके के वीडियो को रिपोर्ट करो और इस तरीके की वीडियो अगर आपके सामने आती भी है तो आप इसको स्वाइप अप करो, इग्नोर करो, क्योंकि इस तरीके का अगर कुछ होगा तो सबसे पहले आपको न्यूज चैनल पर पता चल जाएगा और अगर आप जाके न्यूज देखोगे तो इस तरीके का किसी तरीके का न्यूज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग काफी ज्यादा जागरूक हो गए और आपको पता चल गया होगा क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहां हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कर देना और लोगों को बीच फैला देना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूं किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।